अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। भाई जी, अभी जनाब मैं बिस्तर के अंदर पड़ा, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैं फिर बाहर आ गया। तेरा अंदर ही सो गई फिर है? तेरा अंदर ही सो गई है कि क्या? इतना मैं, चलो जो भी है अल्लाह करम करेगा, तो मैं बाहर आ गया। बाकी अभी आज दिन ब दिन ना सर्दी वाकई बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कल की निस्बत आज शबनम भी ज़्यादा पड़ी, काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। तकरीबन पहले अगर 30% पड़ती थी ना, आज तकरीबन 60-70% पड़ी है। इतनी शबनम भी पड़ी है, उसके अलावा सर्दी ने भी अपना रुख चेंज कर लिया है कुछ ज़्यादा ही। तो बाकी वैसे अब ये धुंधें और ये खुश्क वाली होगी सर्दी, अगर बारिश वगैरह आ जाए ना एक आधी तो मज़ा ही आ जाए। बारिश का मतलब कि ये फिर ये बीमार करेगी सब बच्चों को, बड़ों को ये बीमार करिए। खुश्क वाली सर्दी है ना, खुश्क वाली सर्दी अच्छी नहीं होती। बाकी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। अभी जना मुर्गियों को मैंने बाहर निकाल दिया, कुछ ये खड़ी हैं कुछ आगे चली गई हैं, और सूरज ने माशाल्लाह थोड़ा चेहरा मुबारक दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज धुंध कम है लेकिन सर्दी ज़्यादा थी। धुंध थोड़ी है लेकिन सर्दी ज़्यादा थी। और इधर डॉग्स हमारे जो है ना, वो किसको किसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। की गल हैं? ना 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 ना, परेशान नहीं होना। हाँ सुनिए, तेरा की हाल है? ठीक है, कैसे दिन गुजर रहे ने? वाह। और अभी तेरा और अवैस ना इधर सोए हुए हैं, सूरज आ चुका है, अभी तक आप लेटे हुए हैं। उठ जा सोने, चन वर गए हो, उठ जाओ। हाँ जी, अच्छा सर्दी तो है लेकिन मतलब है तो नहीं ना, सुते रहो फिर। सर्दी तो अभी ज्यादा होने वाली लाला, मेरे पास चादर नहीं है तो मैंने ये कंबल पहन लिया जनाब, स्पेशल वाला। कोई नहीं, आज का दिन निकालते हैं, उसके बाद जनाब चादर ले आते हैं स्पेशल वाली, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ती है। हाँ जी, एक हमारी सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वो आपको किराए पर दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मतलब कोई पैसा वगैरह या लेन देन नहीं है। और जो मुर्गियाँ हैं ना, वो वहीं पर उन्होंने रखी हुई हैं, तो वो ऐसे समझे कि वो हमारे सुपुर्द होंगी, उनकी देखभाल थोड़ी बहुत हम ही करेंगे, तो उन्होंने वो वहीं पर रखी हुई। ओके, थैंक यू। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं हमारे, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपकी वीडियो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होगी पहले से, और काफ़ी अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना शुक्रिया कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास कुछ लफ्ज़ हैं ही नहीं कि मैं किस तरह आपको शुक्रिया अदा करूँ कि आप हमें इतनी दे रहे हैं इज्जत। इज्जत के काबिल थे हम जो आप लोगों ने दे दी, अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी, शुक्रिया। और से देखें इस औरत को, ये देखें, ये घरों में घुस जाती है, बच्चों को गिरफ्तार करती है, अगवा करके फिर पैसे लेती है। अपने अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। माशाल्लाह जी, पीर्स मोहम्मद साहब भी हमारे पास आ चुके हैं। माशाल्लाह जैकेट देखें, चेक करें, आप जान रहे हैं ये वो कल वाली है, जबरदस्त वाली है, चमक रहा है मुंडा, जुत्ती पाई है स्पेशल, गाछ नहीं पाई है तो गाछ में डाल देता है ऐसे ही। और वैसे साहब जो है ना, सुबह सुबह लकड़ी काट रहे हैं, क्योंकि नाश्ता करना, नाश्ता मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर दें ताकि मैं चारा लेने के लिए चला जाऊँ। जनाब पीर मोहम्मद साहब जो है ना, ये जनाब अपनी जूती निकाल कर ना, ये बलगम, बलगम बगले होती है, बलगम बलगम बगले बलगम बलगम बगल बगल में डाल देता है, ठीक है, बगल में डालकर जनाब दौड़ना शुरू कर देता है। तो शुक्र है कि उसने आज पहनी हुई, क्योंकि सर्दी भी है इसलिए उसने बलगम में नहीं डाली हुई। बाकी कोई नीला कर्म करेगा। अवैध साहब जल्दी कर लें, भूख से मेरी जान निकल गई और मैं लेट हो रहा हूँ चारा लेने के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ यकीन मानो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए जो कुछ भी होना है। वाग गए ना, मैंने पता सही होना, वाग जाना है भाई। टपन रेडी थे जिनके साथ मैं चारा बनाता हूँ, वो मुझे लगता है चले गए, तो काफी हम मिलकर बनाते ना, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ तो भी वो कहते तो नहीं लेकिन शायद सोचती होंगे कि लेट आता है जब सारा कुछ हो जाता फिर आता है, इसलिए मैं तेरा को कह रहा हूँ जल्दी जल्दी कर दिया करें। हैं फिर अभी माशाल्लाह जी, नाश्ता वगैरह, नाश्ता हो चुका है हमारा, पल्ली हमने पकड़ लिए, और मैं जा रहा हूँ किधर, चारे को। तो मोबाइल शायद साथ जो है ना मैं ना ले जाऊँ, अगर ले गया तो वीडियो बन जाएगी, तो ना ले गया तो फिर यहीं हम रहेंगे। अभी तेरा बरकर ने तीसरी चौथी रोटी डाल दी है, पकड़ ले मम्मा जी, सालन नहीं है साथ में, इनकी रही तो फिर अल्लाह नहीं, दही नाल खाने, दही नाल आगी बोझ गई है, कुछ हो गया तेरे नु बालेंगी फेरी बढ़ेगी, मैं रोटी ला के बाल नहीं है। चलो
इन अफशारा काट के हम आ चुके हैं वापस, और भैंस को पानी पिलाने वाला था सुबह सुबह, वैसे भी ये पानी पीती नहीं है लेकिन आज पानी कुछ ज़्यादा पी रही है, कल से इनको खुराक जो है ना अच्छी वाली मिली है, क्योंकि खल जो होती है ना वो थी थोड़ी गर्म, तो उसकी वजह से इसको प्यास वगैरह लगती रही, अब ज़्यादा लगती है, इसलिए आज पानी सुबह सुबह पी रही है इंशाल्लाह, बाकी कोई नहीं अल्लाह ताला काम करेगा इंशाल्लाह। पानी पिलाने के बाद जनाब कट्टी को दूध पिला रहे हैं और ज़बरदस्त वाला पिला रहे हैं, हमने 1 kg जो है ना वो अपने लिए, बाकी हम कट्टी को ही दे रहे हैं क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में ये इसको कोई मसला मसाल ना हो, हम चाहते हैं ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। कबूतर का भी हिसाब किताब अभी इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो हम शाम के खाने में बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। पकौड़े मैं निकाल रही हूँ, तो कड़ी अभी आपको पता है बाद में ही बनेगी, तो सुबह से हमारी लाइट गई हुई थी 8 बजे से और अभी आई है 4 बजे, तो जैसे ही लाइट आई हमने थोड़ी देर मोबाइल चार्ज किया और हमने सोचा कच्चा ही खा दिया ना, वो तो मैं कच्चा है, सही बनाया और जल्दी करना पका तो जल्दी कर ना खा, हवा इतनी लगी जाती है काले हो गए बार बार देखती है कौन अल्लाह करम करेगा। कड़ी हमारी माशाल्लाह वो बन पड़ी है, वाह क्या उर्दू है मेरी। और अभी हम बर्तन वॉश करने की ट्राई कर रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में। तेरा प्रकट कैसी हुआ? अल्लाह का शुक्र मेहरबानी वीडियो ना तो अल्लाह का शुक्र आके जमीन तेरा प्रकट मुझसे नाराज होगी, बहुत ज्यादा डेंजरस वाली नाराज होगी, बाकी क्या करूँ मैं भी आदत से मजबूर हूँ, तो मैं ऑनलाइन इसको सॉरी बोलता हूँ। बाकी कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा, छोटी सी मिस्टेक होती रहती है लाला, लेकिन थोड़ी सी बड़ी वाली मिस्टेक थी ये, तो बाकी कोई नहीं, सॉरी कहने में कोई बंदा नीचे नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता, एक वाली रहता लाला, जबरदस्त हो गया किन। अच्छा कबूतर रख लिए, कबूतर क्यों लिए कबूतर रख लो कुड़ी वाह दो हजार की कुड़ी है मेरी। हाँ जी तेने कबूतर में इतने ऐवे फ्री है चित्ते, ओए तीन तीन दिते जाने पापा जी, मैं क्या तीन तीन कबूतर दिते ने ओंदे बदले तू सानू आही कुकड़ दे छी जेड़ तू तेरे कोल ते मोड़े तेने सी मुर्गी दी छै आ तेरी है मोड़ा तो नहीं नहीं ओ मेरे नहीं ने खाली जान के बड़े लकड़ी टोक दे लकड़ी रोटी खावा हां हम जान के करना की आ थमे आ की पइया तैन कोल ओ आई माशाल्लाह जी माशाल्लाह रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं, दो बन गई हैं, तीसरी ऊपर है, चौथी पीर मन साहब को हमने दे दी पहले वाली, मैंने कहा तुम बिस्मिल्लाह कर बाकी बाज वेखी जाएगी, पीरे मिर्चा ठीक ने गणियां तो नहीं ने तेन तो वैसे ही गणियां लगदियां ने पीरिया तू तो वैसे ही अन्नी पा देना मिर्चा नाल ना मैं मज चोल फिर मैं फिर मज चोल आ चुकी चुनी को नहीं मैं वेश फसी पई है मैं चोवा तू चोली बकरी चीजी कोनी है पुत्र तेरा नहीं तो मिसाल मास्टर फायदा कोई नहीं। भैंस हमारी आज दूध नहीं दे रही, काफी लेट हो गया, पहले से 3 घंटे हम लेट हो चुके हैं, हमारे तेज की चर्बी जो है ना उसी तरह पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों नहीं दे रही, हालांकि पेट पूजा भी इसकी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई पता नहीं। हाँ जी कट्टी क्या लेंगी खाना हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी खाने लगे हैं क्योंकि आज दोपहर में हमने खाना नहीं बनाया था,
भूख बहुत ज्यादा लगी है। लिया 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 तो बेड पर लाए ना, बेड पर खाने का मजा ही अपना होता है। चलो हम आपको समझा समझा कर थक गए लेकिन आपको समझ ना आई। बेड पे बैठा माशाल्लाह माशाल्लाह, कड़ी की लुक देखें आप। धनी को नहीं पाए? पाया, नजर तो को नहीं है, नजर ही को नहीं। मेरे पास चार पकौड़े काट लेंगे बस, गले में नहीं खाने। क्योंकि भाई मैं स्पेशल पकौड़ों के लिए ये बनाई है, मैंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पकौड़े खिला देना, बाकी नो टेंशन। इसलिए पकौड़े माशाल्लाह वाद हुआ गया। पानी पिला दे ठंडा जा, लस्सी पिए, अच्छा लाया पानी लिया। कड़ी के साथ क्या लस्सी नहीं ठीक होती? अच्छा सोने हो, जाओ लाओ पानी लाओ। थोड़ी देर पहले बड़े मुश्किल आने में, बड़े मुश्किल आने लिखना दी नहीं। अभी तेरा और वैस तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है, वो उधर गाँव गए, कोई थोड़ी सी इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी क्या होगी वो अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो बाकी आप दुआ कीजिएगा कि सब ठीक ठाक हो, ज़बरदस्त वाला कोई, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। तो अभी वो आने वाले हैं तकरीबन थोड़ी देर तक, लेकिन ये व्लॉग शायद यहीं पर एंड हो जाए, तो क्योंकि कुछ परेशानी बन गई है। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखें, हम दोस्तों का रखें, हमें तमाम दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।